हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की शहरक पर इस वक्त दबाव है और शदीद दबाव है। शहरक की हासियत है कि कराची के शाहराह फैसल को, जो कि लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं आने जाने के लिए, ये शहर की मेन और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टरी है। इस वक्त शहर की ये मरकजी शाहराह दो मुख्तलिफ हवालों से बंद है। एक जानेब इसकी एक हिस्से की रिकार्पेटिंग हो रही है और 21 दिन से ये सड़क खुदी हुई है। दूसरी जानेब इस पर मौजूद एक फ्लाईओवर ब्रिज जो है वो टूट रहा था, गिर रहा था, उसको बंद कर दिया गया है और उस पर भी चींटी की रफ्तार से काम हो रहा है। इसकी वजह से कराची की मेन शाहराह यानी कि कराची की शहरक जो है ये मुकम्मल तौर पे जैम है और कराची के लाखों लोगों की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे अजाब हो गई है। दफ्तर जाना, स्कूल जाना, हॉस्पिटल जाना, किसी किस्म का सफ़र भी जो है वो मीलों लंबे ट्रैफिक जैम में लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं और इस वक्त कर्ब की कैफियत है कराची की इस मरकजी शाहराह पर। वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, ये पूरा बलोच कॉलोनी तक ट्रैफिक जाम है यहाँ। लोग दो दो तीन तीन घंटे से सफर में लगे हुए और एक ट्रैक को पार करने में एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लग रहा है। घंटा लग गया, घंटा रोड को लेता। बहुत परेशान है भाई, बहुत ट्रैफिक जाम है, इतनी ज़्यादा आउट है, सुबह भी प्रॉब्लम हो रही है, क्लास में भी इतना लेट पहुँचे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो पहले इन्फॉर्म करे आवाम को, फिर जाके तरक्याती काम करने चाहिए। ये जो शहरक बंद है इसकी वजह यह है कि इसकी रिकार्पेटिंग, एक हिस्से पर रिकार्पेटिंग हो रही है जिसके लिए खुदाई कर दी गई थी तकरीबन 21 दिन कबल। 21 दिन हो गए हैं और तकरीबन 2 किलोमीटर की ये रिकार्पेटिंग होनी है मगर वो शुरू होने का नाम नहीं ले रही थी, आज वो शुरू हुई है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की कैफियत मजीद गंभीर हो गई है। दूसरी सूरत हाल है कि कराची के इसी शाहराह पर COD पुल के करीब जो फ्लाईओवर ब्रिज था वो खुद टूट टूट के गिर रहा था, अब इसको खुद हुकूमत गिरा रही है मगर हथौड़ी और छेनी से लेके चंद मजदूर होते हैं जो कई हफ्तों से इसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कर्ब की कैफियत है कराची एयरपोर्ट से लेके चीफ मिनिस्टर हाउस तक इस मरकजी शाहराह पर। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि दूसरे मंसूबों पर भी बहुत ही चींटी की रफ्तार से काम हो रहा है, जो काम हो रहा है चाहे वो ग्रीन लाइन हो, ऑरेंज लाइन हो, मलीर पुल हो, पंजाब चौरंगी अंडरपास हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, कराची के बड़े बड़े मंसूबों पर जिस रफ्तार से काम हो रहा है वो लगता यह है कि शायद बाकायदा एक मंसूबे के तहत कराची को कर्ब में मुब्तला कर दिया गया है। जो ठेकेदार इन मंसूबों पर काम कर रहे हैं, क्या कुछ लेन देन का मसला है या वो किसी वजह से ये सूरत हाल पैदा कर रहे हैं ये हम नहीं कह सकते, मगर सूरत हाल बहुत ख़राब है। इस पर मज़ीद बात करते हैं कराची की शाहराह फैसल पर, कराची की शाहरख पर मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ असलम खान। खान साहब बताइएगा क्या इस वक्त सूरत हाल है, कुछ सूरत अब क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है तो कुछ ट्रैफिक हल्का हुआ है? जी बिल्कुल कामरान साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है जैसे आपने कहा कि दिन में सूरत हाल बड़ी बदतरीन हो जाती है, रात हो गई है और तो कुछ सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि चींटी की रफ्तार से काम हो रहा है, लगता है कि छेनी और हथौड़े लेकर के ये डिग रोड पे जो फ्लाई ओवर है ये एक साल में 6 मरतबा बंद हुआ है। कोई फ्लाई ओवर इस तरह बंद नहीं होगा जिस तरह डिग रोड पर यह फ्लाई ओवर एक साल में 6 मरतबा मुरम्मत के लिए बंद हुआ और हतमी तौर पर यह फैसला किया गया है कि इसको गिरा करके इसकी जो छत है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील की जाए और उसके लिए 3 माह
کا وقت دیا گیا ہے، لیکن کام کی رفتار سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ وقت بڑھ کر کے 6 ماہ کا ہو جائے گا۔ آپ نے فنڈز کی بات کی، 125 ارب روپے کی یہ شارۂ فیصل ہے، 18 کلومیٹر میٹرو پول سے لے کر کے اسٹار گیٹ تک، اور یہ تقریباً 10 مہینے ہو گئے ہیں اور یہ پروجیکٹ مکمل نہیں ہو سکا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگر آپ بات کریں عائشہ بھوانی کالج سے لے کر کے اور جو میٹرو پول تک 2 سے 3 کلومیٹر کی جو کارپیٹنگ ہو رہی ہے، اس میں بھی لگتا ہے کہ کچھ وقت لگے گا، اور مجموعی طور پر یہ 18 کلومیٹر لگتا یہ ہے کہ یہ منصوبے، جس طرح ہر منصوبہ تاخیر کا شکار ہوا، اسے دسمبر تک مکمل ہونا تھا لیکن یہ نہیں ہو سکے گا۔ اور کامران صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اس توسیع منصوبے میں ایک بڑا ایک پروجیکٹ تھا 1 کروڑ 10 لاکھ روپے کا یو ٹرن، جو ڈگ روڈ اور شاہ فیصل کالونی کی آبادی کو شارۂ فیصل پر لنک کرے گا، وہ ابھی شروع ہی نہیں ہوا۔ وہ جب شروع ہوگا وہ ناتا خان گوٹ کے نیچے سے فلائی انڈر پاس ایک یو ٹرن بننا ہے، وہ ایک ابھی الگ مرحلہ باقی ہے جی۔ اچھا یہ کیا کہتے ہیں حکومت سندھ کے لوگ، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے، اس صبح یہ پوری شارۂ فیصل جو ہم آپ کے پشت پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایئرپورٹ سے لے کے اور چیف منسٹر ہاؤس تک کمپلیٹلی کلاک تھی اور گھنٹوں بند رہی ہے، پھر شام کو پھر کئی گھنٹوں کے لیے یہ بند ہو گئی۔ حکومت سندھ کے لوگوں کو، متعلقہ لوگوں کو، متعلقہ محکموں کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی؟ اس پہ یہ اثر ہوا جب صبح ہم نے رپورٹ چلائی، فوٹیجز دکھائیں، اس پہ جو پیکیجز بنے، تو یہ اثر ضرور ہوا کہ آئی جی صاحب نے بھی ایک نوٹس لیا، اور ٹریفک کے معاملات ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کچھ رات میں بہتری، لیکن وہ یہ بھی ہوئی ہے کہ ٹریفک کم ہے۔ اب کل صبح پھر دیکھنا ہوگا کیا صورتحال ہوتی ہے، جس طرح آپ نے اس برج کا حوالہ دیا، اس فلائی اوور کا حوالہ دیا، یہاں سے بدترین صورتحال شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب ہم بات کرتے ہیں کہ نرسری تک، پھر بلوچ کالونی تک وہ جب کارپیٹنگ ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے حکومت سندھ کی جانب سے تو کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، پولیس کے اعلیٰ حکام نے نوٹس لیا ہے۔ اب کل اس کے ساتھ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کیا ٹریفک پولیس کوئی بہتر انتظامات کر سکے گی، لیکن اگر بات کریں اس منصوبے پر تو کامران صاحب لگتا نہیں ہے کہ اس میں تیزی آئے گی۔ 3 مہینے کا وقت دیا گیا ہے، 1.25 مہینہ گزر چکا ہے، اور ابھی لگتا ہے کہ یہ 3 مہینے بڑھ کر 6 مہینے ہو جائیں گے، اور شہری اسی طرح کرپ اور پریشانی سے گزریں گے۔ صبح یونیورسٹی پہنچنے میں مشکل کا سامنا، صبح جو ملیر کورٹ سے قیدی جاتے ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے، جو لوگ دفاتر جا رہے ہوتے ہیں وہ 2-2 گھنٹہ 3-3 گھنٹہ تاخیر سے پہنچ رہے ہیں۔ بہت شکریہ اسلم خان، ہمارے بیورو چیف موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں پیمرا کا۔ ادارہ یہ ہے جس کا کام تھا کہ پاکستان کے ٹی وی چینلز کو، خاص طور پہ کرنٹ افیئر ٹی وی چینلز کو اور نیوز چینلز کو ریگولیٹ کریں، اگر یہاں پہ کوئی غیر قانونی چیز ہوتی ہے یا کوئی بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں جو قوانین کے خلاف ہیں، ان کے خلاف ایکشن لیں۔ مگر لگتا یہ ہے کہ دراصل یہ ادارہ مکمل طور پہ بے اثر ہو چکا ہے، کسی چینل کے خلاف، کسی پروگرام کے خلاف، کسی اینکر کے خلاف بھی اس کا ایکشن ایسا نہیں ہے جو سسٹین ہوا ہو۔ تمام کے تمام پر عدالتیں حکم امتناعی جاری کر چکی ہیں۔ پیمرا کی موجودہ صورتحال پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اگر بالفرض محال آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں اور ٹیلی ویژن کی نشریات میں، چاہے وہ نیوز چینل ہو، چاہے وہ انٹرٹینمنٹ چینل ہو، اس پہ آپ کو کراہت محسوس ہوتی ہے، کبھی آپ کو غصہ آتا ہے، کبھی آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ، یہ اینکرز یا یہ ٹاک شو والے یا یہ خبروں والے، یہ کیا چلا رہے ہیں، یا انٹرٹینمنٹ والے۔ اب مجھے یقین ہے کہ آپ کو شاید کبھی کبھی بہت ہی جھنجھلاہٹ ہوتی ہے، اور آپ کہتے ہو کہ کیا پاکستان میں کوئی ان پر نکیل ڈالنے والا ہے یا نہیں۔ پہلی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہے ادارہ، اس کا نام ہے پیمرا۔ لیکن اب آپ کے لیے اچھی خبر تھی کہ ایک ادارہ ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ یہ ادارہ اب عملاً زیرو ہو چکا ہے۔ اس ادارے کا وجود تو ضرور ہے، مگر وجود سمجھیے کہ تحلیل ہو چکا ہے۔ نہ کسی چینل پر پیمرا کی چل پا رہی ہے، نہ کوئی اینکر پیمرا کی سنتا ہے، اور نہ ہی کسی اینکر کے خلاف، پروگرام کے خلاف، چینل کے خلاف کوئی بھی کارروائی پیمرا کر لے وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ عدالتوں میں میڈیا کیسز کا انبار لگ چکا ہے، اور اسی پوری کیفیت کے اندر ہم نے دیکھا ہے یہ عمومی عمل ہے کہ چند گھنٹوں سے بمشکل تمام چند دنوں کے اندر اکثریت کیسز میں پیمرا جس پہ ایکشن لیتی ہے، عدالتوں کا حکم امتناعی سامنے آ جاتا ہے، اور اینکر ہو، پروگرام ہو یا چینل ہو، وہ بلا کسی امتیاز کے، بلا کسی روک ٹوک کے ویسے ہی چلتا رہتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے پیمرا سے کہا ہے کہ تمام کیسز واپس لے لے
और जो टीवी चैनल्स और एंकर से अदालती हुक्म इम्तनाए हासिल कर चुके हैं उन केसेस को ख़त्म ही कर दें। पैमरा की जानिब से टीवी चैनल्स और एंकर्स और प्रोग्राम्स के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के 500 से ज़्यादा केसेस हैं जो कि इस वक्त अदालतों में हैं, जिसमें पैमरा ने महंगे प्राइवेट वकला की फीसें दी हुई है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पैमरा को जो वकील लेने पड़ते हैं, क्योंकि सामने चाहे वो हमारे जैसे टीवी चैनल्स हों, हमारे जैसे एंकर्स हों या हमारे जैसे प्रोग्राम्स हों, वो बड़े भारी भरकम वकील सामने लाते हैं और पैमरा को फिर कोशिश करनी होती है कि कुछ उस जैसा वकील लाए और इसके फिर खजाने पे बड़ा नुकसान हो रहा है। इस वक्त पैमरा की हिदायत और अहकाम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 37 केसेस हैं, लाहौर हाई कोर्ट में 158, सिंध हाई कोर्ट में 137, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 121 केसेस हैं, पिशावर हाई कोर्ट में 8, जबकि मातहत अदालतों में 21 केसेस जेरे इल्तवा हैं। और इस हवाले से पैमरा की तमाम जो एक्शंस है वो इस वक्त कहीं पे भी उसका असर नज़र नहीं आता। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं, इस पूरे मामले की तहकीकात भी की है पाकिस्तान के नामवर तहकीकाती सहाफ़ी जनाब उमर चीमा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हुकूमत जो है अब इतनी इस हद तक बददिल हो गई है, ये तो उन्होंने नहीं कहा कि इस पैमरा को बंद कर दे, उन्होंने कहा कि कम अज़ कम केसेस ही वापस ले लें, सब ख़त्म करें, क्या फ़ायदा, और आइंदा भी ना करें, कोई एक्शन ना लें। कामरान साहब, गवर्नमेंट के बारे में तो हम हमेशा ही बातें करते आए हैं और बहुत सारे प्रोग्राम आए दिन, बल्कि जो टीवी चैनल हैं ज़्यादातर वो इसी चीज़ पर चलते हैं कि हुकूमत का एहतसाब करते हुए। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि वो इदारे जो कि एहतसाब करना चाहते हैं, इस खबर के ज़रिए वो दोनों यानी कि उन पर सवालिया निशानात हैं, एक हमारा मीडिया है और एक इसमें अदालतें भी हैं। और मुझे याद है कि अभी जो मौजूदा चेयरमैन है अफसार आलम साहब, इनसे पहले जब चेयरमैन आते थे हम ये समझते थे कि ये ब्यूरोक्रेसी से आए हैं और ये मीडिया से बहुत ज़्यादा डरते हैं और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते, और एक बाकायदा एक वर्ड इस्तेमाल होता था कि ये टूथलेस किस्म का इंस्टीट्यूशन है, कि इसके कोई दांत नहीं है। जब अफसार आलम साहब आए तो हमने सोचा कि इनके बाद कोई सूरत हाल बेहतर होगी, और उन्होंने अपने लेवल पर बहुत ज़्यादा कोशिश भी की, और ये पता चला कि वो आए हैं तो वो किसी मकसद के लिए आए हैं। और अपने कबीले का एहतसाब करना सबसे मुश्किल काम होता है, जो कि उन्होंने शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि उनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम शुरू हो गए, उनके ख़िलाफ़ इतनी गंदी ज़ुबान, घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू हो गई। अब दूसरा क्या, एक उम्मीद की किरण ये थी कि चलें ये लोग तो करेंगे कि जिनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, जिनकी दुम पर पाँव आ रहा है, ये लोग तो शोर मचाएंगे। अब ये है कि इसमें अदालतें मुआवन साबित होंगी और मीडिया का एहतसाब हो सकेगा। अब देखिए कि जिन केसेस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये 500 से ज़्यादा केसेस हैं और ये 2 साल में हैं, यानी कि उसमें ज़्यादातर क्या हैं कि आपने जो एक ज़ाब्ता हिलाक है उसकी खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ़ एंकर हजरात उनको फ़ाइन हुए हुए हैं। और ऐसा भी देखने में आया है कि कई लोगों को शोका नोटिस जारी हुआ है, अजहार वजू का नोटिस जारी हुआ है, और वो अदालत में चले गए और अदालत ने उनको स्टे दे दिया है, स्वाए उन केसेस के कुछ चंद एक केसेस हैं जिन पर स्टे नहीं हुआ। अच्छा, ये जो कहा जाता है जिसमें कोई जज साहबान जो है उन पर बात आई है या उन पर के पैमरा जो है, बहरहाल ये सियासी हुकूमत का एक इदारा है और सियासी हुकूमत की अपॉइंटमेंट है, और सियासी हुकूमत ने अफसार आलम साहब को किया है, तो उन प्रोग्राम्स को और चैनल्स को और एंकर्स को निशाना बनाया जाता है जो हुकूमत पर को कड़े दबाव में लाते हैं, कड़े बोझ पे करते हैं, और इसके कोई सियासी एंगल्स हो सके, ये आपको पता है ना कि जो दूसरी राय है वो ये है इस हवाले से। नहीं, वो है, यानी कि वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये है कि मैं कई ऐसी मिसालें दे सकता हूं कि जिसमें वो चैनल जिनके बारे में ये आता है जी कि ये हुकूमत के करीब तर हैं, उनको नोटिस जारी हुए हैं, उनको जुर्माने किए गए हैं। अब मसला ये है कि जब हम अपने हकायक पेश करते हैं उसमें अब दो तरह के हमें मसाइल पेश आ रहे हैं जर्नलिज्म में, एक होता है कि एक फेक न्यूज़ जिसकी आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र आता है, दूसरा होता है गुमराह कन खबर, यानी उसमें यही होता है कि आपने को आधे हकायक छुपा लिए, आधी बात जो चल जाती है उसे एक आम आदमी को तो नहीं पता, उसने तो वही देखी। अब जो बताने वाले हैं वो ये नहीं बताते कि जिन चैनल्स के बारे में ये एक होता है जी कि ये हुकूमत के करीब हैं, क्या उनको कोई नोटिसेस जारी हुए हैं, उनके एंकर्स को यानी कि उनको शोकाज हुए हैं, उनको फाइन हुए हैं। अच्छा, तो वो तो क्या है, क्या ये आम पाकिस्तानी शहरी
जिसकी के खिलाफ है, जिसको ये महसूस हो कि उसकी इज्जत उछाली गई है, उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है, उसकी झूठी तशहीर की गई है, उसके खिलाफ बेसरोपा झूठे और बेहंगम गलत तरीन इल्ज़ाम लगाए हैं और लगाए चले गए हैं, उसकी दादरसी हम जैसे अगर मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस कर लें तो वो है क्या? क्योंकि मैंने भी अदालतों से भी नहीं सुना कि किसी के ख़िलाफ़ कोई बड़ा एक्शन हुआ हो, कोई किसी अदालती कार्रवाई के नतीजे में कोई प्रोग्राम बंद ही हो गया हो, कोई चैनल बंद ही हो गया हो, कोई एंकर पे पाबंदी लग गई हो, किसी कोई मैंने तो अपनी उसमें कोई ऐसी कोई दूरस कार्रवाई अभी तक हकीकी कार्रवाई अदालती भी नहीं देखी है। तो आम लोग बेचारे जो इससे हर्ट होते हैं उसके लिए क्या दादरसी है? कामरान साहब, जो आपने बात की ना उसमें दो मसाले हमें मिलती हैं कि एक केस में कोई एक हमारे एंकर हैं और उन्होंने कोई एक उस टाइम के चीफ जस्टिस से हाई कोर्ट के उन पर कोई उनके बारे में कोई गलत खबर चलाई तो उसके बाद पैमरा ने एक्शन लिया और उनको 45 दिन उनका प्रोग्राम बंद कर दिया। वो अदालत में भी गए लेकिन अदालत में कोई दादरसी नहीं हुई और उन्होंने ये पैमरा के इस इकदाम को दुरुस्त माना क्योंकि एक जायसा पे उनको गैर जरूरी तौर पे और बेजा बेबुनियाद इतलात की बुनियाद पे उनको स्कैंडलाइज किया गया था। एक और प्रोग्राम था वो भी जो अदलिया के बारे में हुआ और उस पे उस एंकर का प्रोग्राम 7 दिन के लिए बंद हुआ और अदालत ने कोई स्टे आर्डर जारी नहीं किया। गोया के अगर पाकिस्तान में कोई दूरस कार्रवाई हुई है, हकीकी ठोस मीनिंगफुल कार्रवाई हुई है, तो उसी वक्त हुई है जब अदलिया के किसी रुकन को स्कैंडलाइज किया गया हो। गोया के अगर हम सिर्फ रिकॉर्ड पे देखें तो पाकिस्तान में सिवाय अदलिया के दो वाकयात के अलावा कभी किसी पाकिस्तानी को स्कैंडलाइज नहीं किया गया है, किसी के खिलाफ झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाया गया है, झूठी खबरें नहीं चलाई गई हैं और किसी को रुसवा नहीं किया है पाकिस्तान के मीडिया ने, कम अज़ कम सज़ा तो नहीं हुई किसी को। और ये नहीं हुई। और कामरान साहब, इसमें जो हमारे लिए एक अफसोस का मुकाम है और गौर करने का मुकाम है वो ये है कि जब तक हमारा अपना एहतसाब नहीं होगा तो उससे हमारा मीडिया पर लोगों का ओवरऑल एतमाद गिरता जा रहा है, जो कि एक नेक शगुनी है। मैं इस कम्युनिटी का मेंबर होने के नाते मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए नेक शगुनी है। जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आया था 2007 और उसके कुछ अरसा बाद लोगों की एक बहुत ज़्यादा उम्मीद थी और मुझे याद है कि एक दफ़ा चौधरी शुजात वज़ीर आज़म थे और उन्होंने कहा था कि अब लोग पुलिस के पास जाने के बजाय मीडिया के पास चले जाते हैं। अब जो जिस तरीके से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है ये कोई अच्छी बात नहीं है। पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा है, एक आदमी ने कोई एक खबर दी है, दूसरा जो है उसने एक तहिया करना है कि मैंने को खिलाफ चलानी है या को मैं दूसरी साइड का जो है प्रोपेगेंडा उसको आगे लेकर आऊँगा। और फिर ये है कि हम अपने आप को पूरे पाकिस्तान के हिसाब का मुतालबा करते हैं लेकिन जब हमारे अपने हिसाब की बारी आती है तो उसको हम उसको आज़ादी सहाफत की आड़ में छुपने की कोशिश करते हैं। तो हम किसकी तरफ जाएंगे? हम कहते हैं जी हम अपने आप को खुद रेगुलेट करेंगे, ना हम खुद कर सकते हैं ना एक रेगुलेटर जो है उसकी बात मानते हैं तो क्या होगा? यानी कि अल्टीमेटली हमारा भी क्या अंजाम होगा? इसी तरह हम बुरी तरह एक्सपोज हो जाएंगे। तो क्या ये जो टीवी चैनल्स हैं यही कुछ जिम्मेदारी महसूस करते हुए अपनी एक कोई कंप्लेंट काउंसिल बनाएं, कोई ओम्बड्समैन बनाएं, कोई एहतसाब का निज़ाम बनाएं? क्योंकि इस माहौल में जिसमें कि कोई पूछगछ नहीं है, कोई सज़ा नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, आखिर पाकिस्तानियों की ओवरऑल इज्जत की, उनकी तौकीर की हिफाजत का कोई तो निज़ाम होना चाहिए ना। कामरान साहब, पिछले दिनों एक एंकर थे, उन्होंने कोई एक खत चलाया आईबी के बारे में जिसको आईबी ने कहा कि ये जैली खत है। उन्होंने यानी कि एक नामालूम एफआईआर कराई, नामालूम, उसमें एंकर का नाम भी नहीं था। उसके बाद मीडिया में काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ जी कि ये जो है उनको हरास करने की कोशिश की जा रही है। एक मीडिया की अपनी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन गई जो मुख्तलिफ लोगों के पास गए। आई डोंट नो कि उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश किया या कम अज़ कम जो मेरी अभी तक वो कोई ऐसी चीज़ पब्लिक नहीं हुई। और उसके बाद वो जो है आईबी वाले वो भी खामोश हो गए। आपको पता है कि डॉन लीक में बात किधर तक गई थी और उसमें मीडिया कितना आगे आगे था जी कि ये खबर चली है और हम कितना उसकी एक माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटनी हुई थी। लेकिन बड़े हमारे डिफरेंट स्टैंडर्ड हैं, डिपेंड करता है कि कोई अदारा ताकतवर है कोई कमज़ोर है।
तो उसकी बुनियाद पे ज़्यादातर मीडिया की प्रोजेक्शन भी होती है और हमारा एहतसाब का जो एक मियार है वो भी उसके साथ साथ बदलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। उमर चीमा हमारे साथ मौजूद थे। खबर से ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज अब बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी कर रही हैं, पाकिस्तान के हवाले से है और वो है, वो करती हैं ट्वीट डिप्लोमेसी कर रही हैं, ट्विटर पर वो सफारतकारी कर रही हैं पाकिस्तानियों के, बीमार पाकिस्तानियों के जो कि भारत इलाज करने के लिए जाते हैं, जाना चाहते हैं, उनके दिल जीतने की कोशिश कर रही हैं। एक ऐसा कदम है, एक अच्छी मूव है, इसका जिक्र करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। भारत से भी अच्छी खबर आ सकती है और आ रही है, वो ये है कि भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज कई महीनों से पाकिस्तानियों के साथ उन्होंने एक खामोश ट्वीट सिफारतकारी जारी रखी हुई है। इसका बुनियादी मकसद लगता यह है कि पाकिस्तानियों को एक सॉफ्ट मैसेज देना है और यकीनी तौर पे ये एक हौसला अफजा कोशिश है। वो करती ये हैं सुषमा स्वराज साहिबा जो भारत की वजीर खारजा हैं कि वो ट्विटर पर ही जिगर की पेवंदकारी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और दीगर मोहलिक बीमारियों में मुबतला पाकिस्तानी मरीजों को वीज़ा जारी करने के अहकाम जारी करते हैं। इसमें बड़ी तादाद बच्चों की थी। मामला यह है कि पाकिस्तान में इन कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों के हवाले से उस अंदाज का इलाज और उस कीमत का इलाज मौजूद नहीं है जो कि भारत में मौजूद है। भारत में इस हवाले से जो स्पेशलिस्ट हैं, जो अस्पताल हैं, वो बहुत ही उनकी आलमी शोहरत है और वो इस सिलसिले में बेहतरीन मरकज़ समझे जाते हैं। भारत में मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए सुषमा स्वराज को उनके ट्विटर अकाउंट पर वीज़ा करने वाले की दरख्वास्त करने वालों को मुसद्दका आदाद व शुमार तो मौजूद नहीं, लेकिन एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस साल दर्जनों पाकिस्तानियों ने भारतीय वजीर खारजा से ट्विटर के ज़रिए राब्ता किया और इस हवाले से वो करते ये हैं जो हमारे मरीज़ हैं या उनके जो अजीज़ अकारिब हैं कि वो ट्विटर अकाउंट पे भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को कांटेक्ट करते हैं, अपने मर्ज की तफसील बयान करते हैं, अपने अजीज़ की मर्ज़ की तफसील बयान करते हैं, तस्वीर देते हैं और फिर उसका अक्सर ये देखा गया है कि फौरी जवाब आता है वजीर खारजा की जानिब से, खुद सुषमा स्वराज की जानिब से। आज की बात करें तो सुषमा स्वराज ने एक घंटे के अंदर पाकिस्तानी मरीजों को ट्वीट्स के 6 जवाब दिए और खैरियत भी दरियाफ्त की। 6 केसेस थे जो कि सुषमा स्वराज को आज अप्रोच किए गए और मोहतरमा सुषमा स्वराज ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनका जवाब दिया। सुषमा स्वराज ने आज अपनी ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान से मेडिकल वीज़े के हवाले से बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं, बराए मेहरबानी अपने दस्तावेजात भारतीय हाई कमीशन को जमा कराएं, वो आपके कागजात का जायज़ा लेकर मुझे रिपोर्ट भेजेंगे। सुषमा स्वराज ने कहा कि क्योंकि उन्हें अब बड़ी तादाद में ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं, उन्होंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी हैं पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन को इस्लामाबाद में कि जिन लोगों के मेडिकल ग्राउंड्स हैं उनकी रिपोर्ट्स और उनकी जो इस हवाले से जो भी एप्लीकेशंस है उसका जायज़ा लिया जाए और इसकी रिपोर्ट उनको भेजी जाए और उनकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि इन तमाम मरीज़ों को भारत के वीज़े जारी किए जाएँ, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मरीज़ भारत जा रहे हैं और इन टिपिकल बीमारियों का और इन बहुत ही मुश्किल बीमारियों के हवाले से वो इलाज भी कर रहे हैं। और ये एक्शन है जो कि पाकिस्तानियों में, ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों में जो कि मुतालिकीन हैं इन मरीज़ों के, उनको बड़ी तहसीन की निगाह से देखा जा रहा है। कमर से ब्रेक लेते हैं, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज़ियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया कामरान खान के साथ। आज सिंध में तबाह हाल पीने के पानी के निजाम के हवाले से और तबाह शुदा सेवरेज निजाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत ही दिलचस्प समात हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेंच के सामने सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह पेश हुए। किसी भी वजीर आला का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होना
और फिर उसके हवाले से उसकी कारकर्दगी और गवर्नेंस के हवाले से जो तबाहकुन सूरत हाल है उसमें सवाल जवाब का ऐसा मरहला होना इससे पहले ऐसी मिसालें कम ही मिलती हैं। बहुत ही दिलचस्प माहौल था। आज चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू जब सैयद मुराद अली शाह पेश हुए। समाअत के दौरान दिलचस्प मुकाबला भी हुआ, जबकि वजीर आला सिंध मुसलसल कहते रहे कि सब ठीक है और अगर कुछ ख़राब है तो पूरे पाकिस्तान में ही ख़राब है, गोया कि वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उनकी आंखें और कोर्ट रूम में मौजूद तमाम लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं जब कराची में और सिंध में आलूदा पानी की फराहमी के इस केस की समाअत के दौरान ही सिंध में पीने के पानी की अबतर सूरत हाल और सीवरेज के हवाले से एक चश्म कुशा वीडियो फिल्म दिखाई गई, जिसमें दिखाया गया कि सिंध के 80% से ज़ायद लोग फुजला मिला पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। सारी चीज़ें इस वीडियो में खुल के सामने आईं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये इंतहाई अहम चश्मकुशा वीडियो चल रही थी और सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह देख रहे थे। कराची को 650 मिलियन गैलन पानी रोजाना फराहम किया जाता है। 200 मिलियन गैलन रोजाना बगैर फिल्टर रॉ पानी ही फराहम किया जाता है। पानी की फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन और क्लोरिनेशन गैर मयारी होने की वजह से पानी की आलूदगी को ख़त्म नहीं किया जाता। लाड़काना में सीवरेज का निज़ाम इंतहाई खस्ता और नाकिस हालत में है। ये राइस कैनाल है, यहाँ पर पूरे शहर का फुजला बगैर किसी ट्रीटमेंट के कम अज कम 18 जगहों पर गिराया जाता है और पूरा राइस कैनाल दोनों इतराफ से गंदगी के ढेर से भरा हुआ है। ये मशहूरी पंपिंग स्टेशन है जहां पर स्कार्प नाले का हजारों गैलन फुजला राइस कैनाल में छोड़ा जा रहा है। यही फुजला लाड़काना से लेकर जोही तक लाखों लोग पीते और खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। शिकारपुर गंद, गलाजत और उससे पैदा होने वाली माहौलियाती आलूदगी का शिकार हो चुका है। सीवरेज सिस्टम की तबाही की वजह से अंडरग्राउंड पानी भी आलूदा हो चुका है। PCRWR की रिपोर्ट के मुताबिक 79% शिकारपुर का अंडरग्राउंड पानी पीने के काबिल नहीं रहा। ये बेगारी इरीगेशन कैनाल है जहाँ पर इस शहर के बेशतर इलाकों का सीवरेज फेंका जा रहा है और यहीं से लाखों लोग अपने लिए पीने और खेती बाड़ी के लिए पानी उठाते हैं। बाकी शहरों की तरह सखर के लोगों को भी आलूदा पानी फराहम किया जाता है। पूरे शहर का फुजला, जिसमें इंडस्ट्रियल, म्यूनिसिपल और हॉस्पिटल्स के एफ्लुएंट्स शामिल हैं, कम अज कम 5 जगहों से इंडस और राइस कैनाल में फेंका जाता है। हैदराबाद में ना कोई फिल्टर प्लांट, ना क्लोरीनेशन प्लांट और ना ही कोई सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहा है और पूरे शहर का फुजला बगैर किसी ट्रीटमेंट के फुलेली नहर में फेंका जाता है। और अफसोसनाक बात ये भी है कि यही फुलेली कैनाल शहर में पानी फराहम करने का मरकजी जरिया भी है। आपने अंदाज़ा लगा लिया कि हमने क्यों कहा कि ये चश्म कुशा रिपोर्ट है। स्पेसिफिक्स हैं, कोई बनावट नज़र नहीं आ रही, मकाम है, जगह है, तमाम चीज़ें इसमें स्पेसिफिक तरीके से सामने आई हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को दिखाने के लिए, और हम आपको बताते चले कि हमने मुख्तसर हिस्सा आपको दिखाया है, ये 20 मिनट की वीडियो है जो कि बहुत ही मुश्किल से बनाई गई है, वाटर कमीशन ने बनाई है जो खुद एक हाई कोर्ट के जज की ज़ेर सदारत काम कर रहा है। आज इसी मंजर को दिखाने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर इस समात में तलब किया था, उनको ये वीडियो दिखाई गई और इंतहाई हैरत की बात थी कि वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह
इस पर जज्बाती इस अंदाज से नहीं हुए, उन्हें कोई निदामत नहीं हुई, उन्हें कोई शर्म नहीं आई, उन्हें हर सूरत में उन्होंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि ये कोई गैर मामूली बात नहीं है, ये कोई किसी किस्म की इसमें अचंभे की बात नहीं है। वो बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बावर कराने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा तो होता है, पूरे पाकिस्तान में ही ऐसा हो रहा है, और बार बार उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहें कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आज की समाअत के दौरान उसके बाद जनाब चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मसाइल आइन के तहत बुनियादी हकूक के ज़मरे में आते हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को याद दिलाया कि अदालत का इख्तियार है कि एग्जीक्यूटिव फराइज अदा ना करे तो वो मुदाखलत करे, वज़ीरे आला हो या वज़ीर आज़म, आइन के बरखिलाफ किसी को काम करने नहीं देंगे। ये समझ लें, आपसे तहरीरी बयान लेंगे, अगर तहरीरी बयान और अदालती फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो नताइज आप खुद अपनी टीम से पूछ लें। इसके बाद इस केस की समाअत को मुलतवी किया गया है। सैयद मुराद अली शाह से कहा गया है कि स्पेसिफिक रोड प्लान लेके आएँ कि इस तबाहकुन सूरत हाल की, सिंध में पीने के पानी की, सीवरेज की, इसके लिए उनकी हुकूमत अब क्या करेगी, कितने दिन में करेगी और कैसे करेगी। ये आज बहुत ही कलीदी समाअत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, जिसमें ये पूरे मंजर जो आपने देखने में आए। मगर फिर मैं कहूँगा कि बड़े अफसोस की बात है कि सैयद मुराद अली शाह ने एक जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बावर कराने की कोशिश की कि कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है बल्कि सूरत हाल तो और बेहतर है, और फिर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने जब इस समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू की तो उसमें भी उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की बहुत ही एक खुशगवार माहौल के अंदर, और बहुत ही एक इस चीज़ को साबित करने की बार बार वो मीडिया के सामने कोशिश कर रहे थे कि जैसे कि उन्होंने अपनी गुफ्तगू से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस मौजूद बेंच को लाजवाब कर दिया। मैंने इधर बात हुई थी तो मैंने एक बात की कि जी आपने लाड़काना के बड़ा जिक्र किया, 88% वो पानी है। मैंने उनको रिपोर्ट दिखा दी, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, इसमें 88% से ज़्यादा पानी आलूदा है। मैंने कहा इधर जी बहुत कहा गया कि जी आप नलके से पानी नहीं पी सकते, बॉयल करके पी लें। मैं कहा जी लाहौर में कोई पी सकता है? लाहौर की रिपोर्ट है कि 100% पानी में आर्सेनिक है। ये मतलब एक प्रॉब्लम पूरे मुल्क में है, और वो चीफ जस्टिस साहब और जजेस ने एक्नॉलेज किया इस बात को। उन्होंने तो इतना कहा कि हमने पहले सिंध में आके दूसरों के साथ ज्यादती की नहीं तो हमें उधर जाना चाहिए था। स्पेसिफिकली ये बात कही कि हमने उधर जाना चाहिए था, हमने इधर सिंध में आके दूसरे लोगों के साथ ज्यादती की है, इसलिए आप लोग तो काम कर रहे हैं, चले हमारी वजह से कर रहे हैं, वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा। गोया के अगर मुराद अली शाह साहब की बात मान लें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलती कहा, उन्होंने कहा कि हमने गलती की, हम यहाँ आए, हमें तो दरअसल कहीं और जाना चाहिए था। और उनके जो दलाइल थे या जो उनकी गुफ्तगू थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जनाब मुराद अली शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये बेंच लाजवाब हो गई। ये ज़रूर कहा मुराद अली शाह ने कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट बताई कि लाहौर में इतने परसेंट आर्सेनिक है, गुजरांवाले में इतनी परसेंट आर्सेनिक है, या पंजाब के दूसरे शहरों में कितना आर्सेनिक है, मगर उन्होंने ये नहीं बताया कि पंजाब के कितने शहरों में इस तरह से फुजला हुआ पानी, बगैर क्लोरीन मिला पानी, बगैर फिल्टर प्लांट के कितने शहर पंजाब के चल रहे हैं, जो मिसाल के तौर पर हैदराबाद का हाल है, जो मिसाल के तौर पर सखर का हाल है, जो इस वक्त कराची के जो ये ट्रीटमेंट प्लांट है उनका हाल है। इसके बारे में तो मुराद अली शाह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन देखते ये हैं कि अब अपना रोड प्लान जो वो लेके जाएंगे, रोड मैप जो लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस दिन उनसे इस बारे में क्या बात करती है। आज की समाअत के दौरान, इस पूरी समाअत के दौरान मौजूद थे, और जाहिर है कि उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो इस पूरे मामले के पिटिशनर हैं, सिविल एक्टिविस्ट और कानूनी माहिर जनाब शाहब उस्तो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहब उस्तो साहब। ये बताइएगा कि मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर तो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे कि उनके जो गुफ्तगू थी उसने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को लाजवाब कर दिया, उन्होंने ऐसे ऐसे दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम तो यहाँ नहीं हैं, हमें गलत हो गए, हमें तो वहाँ जाना चाहिए था पहले, और ये तमाम सूरत हाल हुई। ये बताइएगा कि आप वहाँ बैठे हुए फैक्ट चेक कर रहे थे कि मुराद अली शाह साहब क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, कुछ हमें भी तो बताया ना कि ये जो उन्होंने अपनी दलाइल दिए, जो अपने ये सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिए वो क्या थे। देखिए कामरान साहब, मैं जो है पहले तो ममनून हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ख़ास तौर पे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरे सिंध के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, पूरे पाकिस्तान के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ
कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये ओनरशिप ले ली है। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, अब हम सिंध और सिंध के अलावा पाकिस्तान में कहीं पे भी पानी का मसला है, जब तक ये ठीक नहीं करेंगे हम नहीं बैठेंगे। लेकिन उनको जब ये बताया गया, चीफ मिनिस्टर साहब ने बार बार कहा कि जी ये सिंध का मसला नहीं है, ये तो पंजाब में भी है, और सरगोधा का मिसाल दिया और लाहौर का मिसाल दिया और गुजरांवाला का मिसाल दिया, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि जी देखें, यहाँ पे एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिस सिलसिले में हम यहाँ आए हैं, और अगर वहाँ पे किसी ने पिटीशन नहीं भी दाखिल की है तो अब जब हम जाएंगे तो हम सारे जितने भी वाटर रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सबको इकट्ठा करके हम इस्लामाबाद में चलाएँगे, लेकिन आप हमको ये बताएं कि आपने सिंध में क्या किया है। उन्होंने कहा कि जी ये जो वीडियो बनी है ये तो पिटिशनर ने मेरे लिए कहा, उन्होंने बनाई है। तो ऑनरेबल सीजेपी ने कहा कि जी चले वीडियो आप अपनी बना के बेशक पेश कर दीजिए, लेकिन आप ये बताएं कि जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट्स हैं क्या आप उसकी फाइंडिंग को डिनाई करते हैं। तो उन्होंने कहा वो खामोश रहे, क्योंकि आज तक जो जो दो रिपोर्ट्स अभी तक जमा हो चुकी हैं इंक्वायरी कमीशन की तरफ से, दोनों के किसी भी फाइंडिंग को चैलेंज नहीं किया गया उनको, यानी इसका मतलब है कि मुकम्मल तौर पर उनको कबूल किया गया है। और इसकी एक बार फिर साहब हमारे नाज़रीन को, ये जो वाटर कमीशन है जिसे सिंध हाईकोर्ट के जज जनाब जस्टिस इकबाल कल्होड़ो लीड कर रहे हैं, उसकी कुछ चीदा फाइंडिंग्स बताइए, जिसको कि आज चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने किसी को डिस्प्यूट नहीं किया, सिंध हुकूमत इस किसी फाइंडिंग को डिस्प्यूट नहीं कर रही, सबको मान रही है गोया के, उसकी कुछ चीदा फाइंडिंग तो बताइए ना। देखें जी, जो पहली जो कमीशन की रिपोर्ट थी वो 6 मार्च को जमा करवाई गई, जिसमें मुकम्मल तौर पर पूरे सिंध का दौरा करने के बाद और साइंटिफिक तरीके से पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की लेबॉरेटरी से डिस्ट्रिक्ट जजेस सेशंस जजेस की निगरानी में वाटर टेस्टिंग के सैंपल्स लेने के बाद जो रिपोर्ट दी गई उसमें कहा गया कि पूरे सिंध में 77% पानी पीने के काबिल नहीं है, और कराची में 80% से ज़्यादा पीने के काबिल नहीं है पानी। इसके अलावा उस रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे सिंध में कहीं पर भी फ़िल्टर प्लांट्स काम नहीं कर रहे, पूरे सिंध में ट्रीटमेंट प्लांट्स काम नहीं कर रहे, पूरे सिंध में कहीं पे भी जो इदारे बनाए गए हैं, कोई इदारा यानी कराची वाटर सीवरेज बोर्ड से लेके वासा और नसासक जो ज़माने में थी, जो 4-5 जो 6 शहर थे अर्बन अपर सिंध के उनको चला रहे थे, कोई इदारा काम नहीं कर रहा। आरओ प्लांट्स के बारे में रिपोर्ट यही थी कि आरओ प्लांट्स पे बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हो रहे हैं लेकिन जो पानी दिया जा रहा है वो WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। पूरे सिंध में जो इरिगेशन का निज़ाम था वो बिल्कुल गटर बन चुका था, क्योंकि आज भी फिर बाद में ये चीज़ इन्होंने खुद मानी, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने जब अपनी सर्वे की तो पता चला कि 800 पॉइंट हैं जहाँ पे रिवर्स और गटर का पानी मिल जाता है आपस में। 800 जगहें हैं सिंध में जहां से फुजला मिला पानी और दरिया का पानी मिल रहा है, और फिर आगे लोग उस पानी को पी रहे हैं। जी वो मैंने आपको दिखाया उस वीडियो में। और दूसरा जो एक और इससे भी ज़्यादा भयानक बात थी वो ये थी कि कराची में पूरे पाकिस्तान का जो भी फजला जमा होता है उसके बाद यहाँ पर चूँकि तीनों ट्रीटमेंट प्लांट बंद पड़े हुए हैं तो 450 मिलियन यानी 45 करोड़ गैलन अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल म्यूनिसिपल और हॉस्पिटल एफ्लुएंट्स मिलके समंदर में गिराए जा रहे हैं। 14,000 टन सॉलिड वेस्ट जो है वो आपका कराची में डेली जनरेट होता है, और वो कहाँ गिराया जाता है ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर वो समंदर में गिराया जाता है या जो बड़ी बड़ी ये जो नाले हैं, मलीर नदी है, इस तरह की जो आउटलेट्स हैं, जो सीवेज के आउटलेट्स हैं, वहाँ पे ये 14,000 टन जो है डेली आपका सॉलिड वेस्ट फेंका जाता है, जिसकी वजह से आप देखें कि वो नाले जो हैं सारे बिल्कुल बंद, लियारी और मलीर का तो तकरीबन उसका तो नाला तो नहीं है, वो तो गंद का ढेर बनते जा रहे हैं। कोई कराची में लैंडफिल नहीं है, यानी आप सोचें कि इंडिया में महाराष्ट्र वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मशहूर केस है जिसमें 2 साल से कामरान साहब इंडिया में मुंबई हाई कोर्ट ने
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे इसलिए एम्बार्गो डाला हुआ है कि वो वहाँ पे सिर्फ सॉलिड वेस्ट जो है वो मैनेज नहीं कर सक रहे, सिर्फ सॉलिड वेस्ट की वजह से। और यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ सैनिटेशन नहीं है, यहाँ पे सॉलिड वेस्ट का मैंने आपको बताया कि अच्छा, इंडिया में सिर्फ 5,000 मैं ये देख रहा था कि चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि नहीं ट्रीटमेंट प्लांट काम कर रहे हैं सारे, ये आई गेस कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है। देखिए सर, मैं एक गुजारिश करूंगा, आज जिस तरीके से ऑनरेबल सीजेपी ने इस प्रोसीडिंग को चलाया है, जिस पुरवकार तरीके से और जितनी डिग्निटी के साथ इन्होंने ये पूरी कार्रवाई चलाई है, उन्होंने आते के साथ ही चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि हमने आपको बुलाया नहीं है, हमने आपको इनवाइट किया है, आप हमारे पास कोई खुदा ना खास्ता आपको जवाब तलबी के लिए नहीं बुलाया गया, हम आपके साथ मुशावरत करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आपको जो मदद चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिससे लाखों की तादाद में लोग बेचारे बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि देखें चीफ मिनिस्टर साहब, कुछ भी हो जाए हम अब इस मसले को मज़ीद इग्नोर नहीं कर सकते और हम आपसे लिखवा के लेंगे, आपसे एफिडेविट लिखवा के लेंगे, आप जो हमसे कहेंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत सी शिकायत की कि जी ये टास्क फोर्स जो बना है उसमें जो अफसरान हैं उनको हम हटा नहीं सकते, ये जो टास्क फोर्स है ये डायरेक्टली कमीशन को रिपोर्ट करती है, हमको मतलब कि अब मेरा कंट्रोल उन पर नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो हमसे कहेंगे हम उसको कंसीडर करेंगे, अगर वो कानून और आइन के मुताबिक होगा तो हम आपको उसमें हम अपने ऑर्डर को रिव्यू भी करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप हमको लिख के देंगे। बार बार उन्होंने कहा कि आप अंडरटेकिंग दें हमको, आप लिख के देंगे कि जी जो टाइमलाइन आप बनाएंगे उसके मुताबिक काम करेंगे और ये मसला जितना जल्दी हो सके आपको हल करना पड़ेगा, और ये मसला सालों में हल नहीं होगा, ये मसला महीनों में हल होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब शाहबोस्तो हमारे साथ मौजूद थे। जैसे कि शाहबोस्तो साहब कह रहे थे कि शुक्रिया, सच शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और उसकी इस बेंच का, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जस्टिस फैसल अरब और जस्टिस सजाद अली शाह का, कि जो इतना मसला कराची की जिंदगी का मसला, सिंध की जिंदगी का मसला, पीने के पानी का मसला, सीवरेज का मसला, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, तमाम इस हवाले से कोई महकमे कोई इदारे अमलन कोई काम नहीं कर रहे, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ओनरशिप दी है, उसकी जिम्मेदारी ली है, वजीर आला सिंध को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा है कि अब आप लाएं एक प्लान, लाएं तहरीरी प्लान, लाएं कि इस पूरे मसले को कैसे हल करेंगे। इसी दौरान बार बार उनको याद दिलाया गया कि टैंकर्स की माफिया से आज़ाद कराएं इस शहर को, कराची को। उनसे पूछा गया कि आप टैंकर से पानी लेते हैं, उन्होंने कहा जी मैं लेता हूँ। पूछा गया कितने का टैंकर आता है कराची में, 8,000 से 10,000 रुपये का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसको आजाद कराएं, इस सूरत हाल को ठीक करें। तो कराची के लिए बहरहाल ये बहुत बड़ा दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कराची के कई मसाइल की तर्जुमानी हुई है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और कराची का शहर, और इसके अलावा इस हवाले से क्योंकि आज पूरे सिंध की बात हुई थी तो सिंध के वासी भी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का यकीनी तौर पर शुक्रिया समझते हैं कि ये उन्होंने ओनरशिप ली है। और देखना यह है कि अब सिंध के जो वाली वारिस हैं यानी वजीर आला मुराद अली शाह, वो क्या स्कीम लेके आते हैं या वो हंसते हुए कहते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान का ऐसा ही मसला है, पहले पूरे पाकिस्तान को ठीक कराएं। कवर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं पंजाब हुकूमत के मसाइल। पंजाब हुकूमत मलबे तले दब रही है मॉडल टाउन रिपोर्ट की। आज इस पे इख्तलाफ ने मुतालबा एक नए सिरे से शुरू किया है, पीटीआई ने कहा है और जनाब ताहिरुल कादरी और उनकी जमात कह रही हैं कि शहबाज शरीफ फौरी तौर पे अपने ओहदे से इस्तीफा दें। वजह वही है बाकर नचवी कमीशन जो कि सामने आया है। इस नचवी कमीशन की रिपोर्ट में कितनी इखलाकी जिम्मेदारी है शहबाज शरीफ की और उनके वजीर कानून की कि फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें। पंजाब हुकूमत कितनी मुसीबत में इसमें कानूनी हवाले से इसमें फंसी है, इसकी बात करते छोटे से वक्त। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत सानहे मॉडल टाउन पर बाखर नचवी कमीशन रिपोर्ट आने के बाद इसके बोझ तले मलबे तले दिपती दबती हुई दिखाई दे रही है। एक जानिब अब इस रिपोर्ट के आने के बाद मौलाना ताहिरुल कादरी, अल्लामा ताहिरुल कादरी, उनकी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक इस रिपोर्ट की बुनियाद पर मुतालबा कर रही है कि वक्त आ गया है
कि जनाब शहबाज शरीफ अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें और राना सनाउल्लाह खान को वज़ीर कानून की हैसियत से बरतरफ कर दिया जाए। तबक़ों के अन मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान ताहिरुल कादरी की हिमायत करते हैं और इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज शहबाज शरीफ से कहा है कि वह अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। इसके साथ ही इमरान खान ने यह भी कहा है कि अगर मौलाना ताहिरुल कादरी धरना देते हैं या एहतजाजी तहरीक चलाते हैं तो PTI उनके साथ होगी। दूसरी जानब अल्लामा ताहिरुल कादरी का कहना यह है कि वो सोच समझ के फैसला करेंगे। उन्होंने कहा है कि तैयारी पूरी रखें, उनका कंटेनर भी तैयार रखें और कारकुनान 24 घंटे के अंदर किसी वक्त भी किसी भी कॉल के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार रहें। उसकी जुज़ियात क्या होंगे, वो क्या क्या करने वाले हैं, उसका उन्होंने इजहार नहीं किया, लेकिन उनके कारकुनान कहते हैं कि किसी भी वक्त जनाब ताहिरुल कादरी धरने की कॉल दे सकते हैं। हम मुशावरत के अमल में हैं, हर वक्त सुबह शाम हमारी मीटिंग्स और सोच विचार इस मसले पर जारी है। हम उजलत में बग़ैर प्रेपरेशन के और बग़ैर सॉलिड फाउंडेशंस के कदम नहीं उठाना चाह रहे, मगर किसी भी वक्त एक डिसीजन हो सकता है। तो ये इंतज़ामात जितने भी हैं वो हर वक्त मौजूद होने चाहिए। तीसरा मैसेज कारकुनान को देना चाहता हूँ कि वो भी इसी तरह हर वक्त के लिए तैयार रहें, किसी वक्त भी उन्हें किसी किस्म की कॉल दी जा सकती। इंतज़ामिया को ये हिदायत देना चाहता हूँ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि कंटेनर मेरा 24 आवर्स के लिए तैयार रखें। और जब कंटेनर की बात होती है और जनाब ताहिरुल कादरी के कंटेनर की बात होती है तो कई धरने पाकिस्तान के आवाम के जहनों में गूंजने लगते हैं, लेकिन मामला है सीरियस। बॉर्डर टाउन रिपोर्ट के हवाले से वो वाकया जो कि 17 जून 2014 को हुआ था वो अब भी बरकरार है और उसकी गूंज और उसकी इको मुसलसल सुनाई दे रही है। अब कुछ ऐसे बयानात जो उस रोज़ दिए गए थे वो सामने आ रहे हैं जिससे पंजाब हुकूमत, वज़ीर आला शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून जनाब राना सनाउल्लाह पर दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये बयानात हैं जो खुद जनाब राना सनाउल्लाह ने उस रोज़ दिए थे और जनाब शहबाज शरीफ ने उस रोज़ दिए थे। इस पर वाज़ह तौर पर इस वाक़े से पहले यानी कि मॉडल टाउन में पुलिस फायरिंग से पहले जनाब राना सनाउल्लाह का कहना यह था कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है, बहुत ही जिम्मेदारी से काम लेना है, क्योंकि उन्होंने इस मौके पर एतराफ़ किया था कि अगर इस वक्त कोई जानों का ज़िया हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब पर होगी, वज़ीर आला शहबाज शरीफ पर होगी। ये बात उन्होंने फायरिंग से ज़रा देर कबल कही थी और इसके अब इसके असरात आज इखलाकी तौर पर उनको और उनकी हुकूमत को सहने पड़ेंगे। खुद तो ताहिरुल कादरी साहब ने एक ऐसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठना है जो बुलेट प्रूफ नहीं बम प्रूफ है, और एक गाड़ी में बैठना है और दो गाड़ियां जो हैं वो साथ वैसे चलनी हैं। लेकिन ये गरीब लोग जिनको उसने वर्गला के उनसे किसी से जो है वो हलफ लिया हुआ है, किसी को वैसे गुमराह किया हुआ है, ये लोग तो वहाँ पर नंगे पाँव और बग़ैर किसी हफाजती इकदाम के वहाँ पे होंगे। ये लोग अगर हलाक होंगे तो इसका ज़िम्मेदार फिर ताहिरुल कादरी तो नहीं होगा, इसका ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत होगी। इसका ज़िम्मेदार अगर पंजाब में वाकया होता है तो मियां शहबाज शरीफ होगा। इसलिए हम इस बात की इजाज़त नहीं देंगे कि ताहिरुल कादरी इस किस्म का कोई ड्रामा वो किसी एयरपोर्ट पर या किसी जगह पर रचाए और उसकी वजह से जो है वहाँ पे जो है वो कोई ऐसा वाकया हो जिसकी वजह से जो है वो ऐसे हालात पैदा हों कि बेगुनाह लोगों का जो है वो नुकसान हो। गोया जनाब राना सलामुल्लाह खान इस बॉल टाउन फायरिंग से चंद घंटे चंद लम्हात पहले ये कह रहे थे कि अगर हलाकतें हुई तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत पंजाब होगी, वज़ीर आला शहबाज शरीफ होंगे। ये तो कहना था राना सलामुल्लाह खान का, जिसके बाद वहाँ पर फायरिंग हुई और हलाकतें हो गई, 14 हलाकतें हुई, 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए। उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वो लाहौर हाई कोर्ट की जज में एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बना रहे हैं, अगर उनकी हुकूमत जिम्मेदार ठहरी तो वो एक मिनट खुद नहीं रहेंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी कबूल करेंगे और वजारत आला को छोड़ देंगे। जस्टिस बाकर नकवी कमीशन में एक नहीं कई मकाम पर यह बात कही गई है कि उनकी हुकूमत बुरी तरह से नाकाम हुई है और वो खुद भी इस मामले में तजाद बयानी का भरपूर शिकार हुए हैं।
جناب شہباز شریف کے ذہن میں شاید وہ مکالمہ ہو یا نہ ہو، مگر ہم یاد دلاتے ہیں کہ مولٹون فائرنگ کے بعد ان کا کیا کہنا تھا۔ اتنی بڑی بربریت اور ظلم، یہ اس کا کوئی نہ جواب ہے نہ کوئی اس کا مقام ہے۔ جس نے ظلم کیا ہے وہ قرار وا کی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ شہباز شریف کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے بالکل۔ ہائی کورٹ کے کمیشن کے قیام کے لیے میں نے حکم دے دیا ہے۔ تحقیقات کی شکل میں جو بھی ذمہ دار ٹھہرائے گئے ان کو قانون کے مطابق کڑی ترین سزا دی جائے گی۔ مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تو ایک سیکنڈ سے پہلے میں عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گا، استعفیٰ دوں گا، اور جو بھی مجھے اس تحقیقاتی رپورٹ میں تجویز کیا جائے گا میں اس کو منون قبول کروں گا۔ عدالتی کمیشن بنانے کا مقصد یہی ہے۔ یہ عدالتی کمیشن بنا تھا جسٹس باقر نچوی کی سربراہی میں، اور جنہوں نے کہ اپنی رپورٹ لاہور ہائی کورٹ پہ جمع کرائی تھی جسے کل عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس جسٹس باقر نچوی کمیشن میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے بیان حلفی اور پولیس کے موقف میں واضح تضاد ہے۔ یہ بھی کہا گیا تھا کمیشن میں کہ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ شہباز شریف نے پولیس کو پیچھے ہٹنے کا کوئی حکم نہیں دیا، اور اس حوالے سے ان کے حلفیہ بیان میں جو کہا گیا ہے کہ انہوں نے پولیس کو ہٹنے کے لیے کہا تھا اس میں تضاد بیانی موجود ہے۔ ماڈل ٹاؤن میں آپریشن کا فیصلہ وزیر قانون پنجاب رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ہوا تھا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو مقاصد حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ اب یہ رپورٹ کیونکہ سامنے آ چکی ہے، اس حوالے سے حکومت پنجاب کا کہنا یہ ہے کہ قانونی طور پر وہ اس رپورٹ کی فائنڈنگ پر عمل کرنے کے پابند نہیں ہیں، اور یہ بھی کہ اس کیس کے حوالے سے اس رپورٹ کی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ اس کی فائنڈنگز کو استعمال کیا جا سکے۔ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن، عدالتی کمیشن کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور اس حوالے سے اس کی کیا واقعی کوئی قانونی اہمیت نہیں ہوتی، اور اس پورے معاملے پر ہم بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معزز عدلیہ کے رکن، عدلیہ کے معزز سابق چیف جسٹس ان ہائی کورٹ اور سابق سینئر جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان محترم جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد کو بہت بہت شکریہ۔ جج صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جب کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے یہاں معمول کے مطابق عدالتی کمیشن بنتے ہیں، ہائی کورٹ کا کمیشن بنتا ہے، سپریم کورٹ کا کمیشن بنتا ہے، یہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دیتا ہے، بڑی اخلاقی سے کام بھی کرتا ہے، اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اس کی وہی ہے، جب ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے، بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں جیسے مال ٹاؤن کا واقعہ ہے، اس میں اگر کورٹ یا کوئی ادارہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس میں ایک بڑا کمیشن ہونا چاہیے، تو جو کمیشن ہے وہ ایک سمجھیے کہ ہائی پاورڈ پولیس انویسٹیگیشن ہے، کیونکہ جس وقت وہ کمیشن بیٹھا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی ایکیوز تو ہوتا نہیں، ایکیوز ہوتا بھی ہے تو اس کا کوئی وکیل نہیں ہوتا، وہ کوئی کراس ایگزامینیشن کسی کا نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک قسم کی جو کمیشنز بنتے ہیں اس کے اندر جو کاروائی ہوتی ہے، یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ پولیس انویسٹیگیشن ایٹ اے ویری ہائی اسٹیج، ایٹ اے ویری ہائی اسٹیٹس، کہ بڑا مسئلہ تھا، شیعہ سنی مسئلہ تھا، بہت مسئلہ ہو گیا سیکٹر گویا۔ اس انویسٹیگیشن کی بنیاد پہ پھر پروسیکیوشن کا آغاز کیا جا سکتا ہے، اس کو ایز این انویسٹیگیشن ٹریٹ کیا جائے گا، کیا قانون بھی اجازت دیتا ہے کہ اس کو انویسٹیگیشن تسلیم کر کے اس کی بنیاد پہ چالان فائل کیا جائے اور پروسیکیوشن کا آغاز کیا جائے، یا اس کے لیے کوئی اور مرحلہ ہوگا؟ بالکل آپ نے مناسب کہا۔ اب اگر کورٹ کہہ دے کہ بھئی یہ جو انکوائری ہو رہی ہے یہ ہماری طرف سے ہے، اس میں کچھ اور مسئلے ہیں، لیکن جتنی بھی انکوائریز ہوتی ہیں، جتنے بھی انکوائری کمیشن بیٹھتے ہیں، اس کی بیسس پہ آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے، آپ کسی کو جیل نہیں بھجوا سکتے کہ بھئی، اس کی بیسس پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پولیس رپورٹ آئی ہے، ایک ہائی لیول پہ ایک رپورٹ آئی ہے، اس کی بیسس پہ انکوائری ہوئی ہے، اب اس میں ایکیوز بنے گا، اس کو کہا جائے گا کہ تم اس کیس میں انوالو ہو، تم اپنا وکیل کرو۔ یہ ہمارے پاس بیانات آ چکے ہیں، اس کی کاپی ہم دیتے ہیں جسے ہم پولیس پیپرز کہتے ہیں، اور پھر بیانات شروع ہوتے ہیں، پھر اس کا وکیل ہوتا ہے یا وہ خود ہوتا ہے، وہ ان سے کراس ایگزامن کرتا ہے، پھر اس سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو سر، اس کو یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے، اس کو ہم کیا ایف آئی آر تسلیم کر سکتے ہیں، انویسٹیگیشن تسلیم کر سکتے ہیں، اور اس کی بنیاد پر، منون اس کی بنیاد پر
چلان تو وہ پولیس پھر اس کا آغاز کرے گی، اس کو اس رپورٹ کی بنیاد پہ نئے ملزمان کی نامزدگی ہوگی، نیا چلان پیش ہوگا اس کی بیسس پہ جب کاروائی شروع ہوگی، تو پھر ایکیوز جو اس میں لکھا جائے تھے ان کو وہ ایکیوز بنیں گے، ان کو سب کاپیز دی جائیں گی جو بھی ریکارڈ ہوئے ہیں بیان، پھر ان کے وکیل کو کہا جائے گا کہ تمہیں کچھ کہنا ہے، اس کے سب ان سارے وٹنسز کو دوبارہ بلایا جائے گا، ان کو بیانات دوبارہ ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا، پھر کراس ایگزامینیشن میں جو ایکیوز کے وکیل ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھیں جو انکوائری ہوئی تھی اس میں تو آپ نے یہ بیان دیا تھا، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، اسے وہ کراس ایگزامن کر سکتا ہے، تو یہ ایک قسم کی ہائی پاورڈ پولیس انویسٹیگیشن سمجھ لیجیے۔ لیکن کیا اس سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے، اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے، قانون اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیں نا، اگر وہ دیکھیں اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے اور کوئی پولیس رپورٹ ہوتی ہے، پولیس جا کے انویسٹیگیٹ کرتی ہے اور رپورٹ دیتی ہے، تو اس کو آپ نظر انداز تو نہیں کر سکتے نا، اگر نظر انداز کر سکتے ہیں تو آپ کورٹ جا سکتے ہیں کہ بھئی انہوں نے کوئی انکوائری نہیں کی، پرائیویٹ کمپلینٹ فائل ہو سکتی ہے کہ یہ قتل ہوا تھا، میں نے رپورٹ کی تھی، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، ہائی کورٹ میں آپ جا کے ریویژن فائل کر سکتے ہیں کہ صاحب دیکھیے یہ ہوا ہے اور اتنا سارا ایویڈنس اویلیبل ہے، لوگ جو ہے بہت پاورفل ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا، اس لیے مہربانی کر کے کاروائی جو ہے قانون کے مطابق کی جائے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب جسٹس ریٹائرڈ ناصر اسلم زاہد ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اور اس کے بعد ذکر کریں گے تاریخی دن ہے، امریکہ وہ کرنے جا رہا ہے جو تاریخ میں کسی نے سوچا بھی نہیں، اور وہ یہ کہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر رہا ہے۔ پوری دنیا ششدر میں ہے، مسلمان، فلسطینی مسلمان سکتے میں ہیں، اور مسلمان بھی عام طور پر مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ اس تاریخی حوالے سے بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اب سے تھوڑی دیر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک تاریخی اعلان کرنے جا رہے ہیں، وہ کرنے جا رہے ہیں، وہ کہنے جا رہے ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ اعلان کر رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ اسرائیل میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ امریکہ دنیا کا واحد اور پہلا ملک ہوگا جو اس انتہائی متنازع معاملے میں ایک فیصلہ لے رہا ہے اور بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر رہا ہے۔ اس پر نہ صرف یہ کہ فلسطینی مسلمان سکتے میں آ گئے ہیں، پوری مسلم دنیا میں اضطراب ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، یورپی دنیا میں، یورپ میں، اور اس کے علاوہ خود امریکہ میں اس پر شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ میں مشرقی یروشلم اور غرب اردن پر قبضہ کیا اور اسے اپنا دارالحکومت قرار دیا۔ عالمی برادری نے کبھی بھی مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم نہیں کیا، اور اب تک تمام سفارت خانے اسرائیل کے شہر تل ابیب میں قائم رکھے، لیکن اب یہ صورتحال امریکہ بدلنا چاہتا ہے، کم از کم اپنی حد تک۔ اس پوری صورتحال پر ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی شازیب جلانی کی یہ رپورٹ۔ دیواروں کا شہر یروشلم، دیواریں جنہیں آپ اکثر دیکھ نہیں سکتے پر محسوس کر سکتے ہیں، اختلافات کی وہ دیواریں جو اسرائیلیوں کو فلسطینیوں سے، یہودیوں کو مسلمانوں سے الگ کرتی ہیں۔ اس خطے میں تنازع کی بڑی وجہ مشرقی یروشلم کا یہ تاریخی حصہ ہے۔ القدس یا بیت المقدس کہلایا جانے والا یہ علاقہ دنیا کے تین بڑے مذاہب کے لیے مقدس جگہ ہے۔ اسرائیل نے یہاں 1967 سے قبضہ کر رکھا ہے۔ Many people, Jewish, come to here and talk that this house, our house. یہودی لوگ ہمارے گھروں پر آ کر کہتے ہیں کہ یہاں سے اٹھیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایک عرصے سے یہاں القدس میں رہتے آئے ہیں، ہمارے پاس ملکیت کے کاغذات ہیں، لیکن وہ ہمیں دھمکاتے ہیں کہ اٹھتے ہو یا پولیس لے کر آئیں۔ مقبوضہ مشرقی یروشلم کی یہ تنگ پتھریلی گلیاں یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے اہم ہیں۔ یہ علاقہ سارا سال ہی دنیا بھر سے آئے سیاحوں سے بھرا رہتا ہے۔ یہودیوں کا یہاں مقدس مقام ویسٹرن وال یعنی دیوار گریہ ہے۔ دنیا میں دور دور سے یہودیوں کے قافلے یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں، اپنی مقدس کتاب تورا سے پڑھائیاں کرتے ہیں، اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ اس قدیمی شہر میں آپ کو عیسائی عقیدت مندوں کے ٹولے نظر آتے ہیں،
جو حضرت عیسیٰ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کے آخری سفر کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ یہ جگہ عیسائیوں کا اہم چرچ کلیسائے قیامت ہے۔ مسیحی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ کو صلیب پر لہو لہان کرنے کے بعد یہاں لا کر رکھا گیا تھا۔ چرچ میں یہ وہ مقبرہ ہے جسے حضرت عیسیٰ کی آخری آرامگاہ کے طور پر مخصوص کیا گیا تھا، لیکن مقبوضہ یروشلم میں حرم شریف وہ مقام ہے جس پر یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان کشیدگی رہی ہے۔ یہاں باہر سیکیورٹی اسرائیل کے ہاتھ میں ہے، اندر ایک طرف مسجد اقصیٰ ہے تو دوسری طرف گنبد صخرہ۔ یہودیوں کے نزدیک یہ مسجد حضرت سلیمان کے زمانے کے ٹیمپل ماؤنٹ پر بنائی گئی۔ مسلمانوں کو خدشہ ہے کہ کٹر قدامت پسند یہودی حرم شریف پر قبضے کے بہانے تلاش کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہاں وقتاً فوقتاً اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ 9 برس پہلے جب سن 2000 میں اس قسم کے واقعات قابو سے باہر ہو گئے تھے تو یہاں سے فلسطینیوں کی دوسری انتفاضہ نے جنم لیا تھا۔ لیکن اسرائیل جانتا ہے کہ الاقصی کے ساتھ پھر کوئی چھیڑ چھاڑ اسے کافی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ ویسے فلسطینی آپس میں کتنے ہی منقسم کیوں نہ ہوں، الاقصی کی حفاظت کا معاملہ ایسا ہے جو نہ صرف فلسطینیوں بلکہ پوری مسلم دنیا کو اسرائیل کے خلاف یکجا کر دیتا ہے۔ اس پورے معاملے پر مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ زیب جیلانی، جو ان چند پاکستانیوں میں ہیں جو مقدس مقامات کا، مقبوضہ بیت المقدس کا دورہ بھی کر چکے ہیں۔ شاہ زیب جیلانی، پہلے تو ہمارے ناظرین کو مختصراً سمجھائیے کہ فلسطینی اسرائیل تنازع کے اندر اس پورے معاملے کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تاریخی عمل ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، یروشلم کا جو مسئلہ ہے یا بیت المقدس کا، وہ ہے ایک بنیادی طور پہ زمین کا تنازع ہے۔ جب 67 میں عرب اسرائیلی جنگ ہوئی تو یہ اردن کے پاس یہ علاقہ تھا، اسرائیل نے اس پہ قبضہ کیا، پھر اس کو اینیکس کر لیا۔ دنیا نے کہا جی ہم نہیں مانتے، یہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس پہ مذاکرات ہوں گے، یہ حل ہوگا۔ اسرائیل نے پرواہ نہیں کی اور پچھلے 50 سال میں باہر سے یہودی خاندانوں کو لا لا کر وہاں بساتے رہے، زمینی حقائق تبدیل کرتے رہے، اور اب وہاں پہ اچھی خاصی میجورٹی جو ہے وہ جوئش فیملیز کی ہے۔ تو اسرائیل کہتا ہے کہ یہ ہمارا انڈیوائڈڈ کیپٹل ہے، 3000 سال ہماری جو ہے روایت ہے یہاں پہ، لیکن مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ نے تو دیکھے یہ جو ہمارے مقدس مقامات ہیں، اس کا نظام تمام سسٹم جو ہے وہ اسرائیلی چلا رہے ہیں، وہاں پہ بیت المقدس کا اور مسجد اقصی کا تمام۔ دیکھیں، میں جب وہاں پہ تھا اور بی بی سی کے لیے رپورٹنگ کر رہا تھا تو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے میری خواہش تھی کہ میں مسجد اقصی جاؤں، باہر اسرائیلی فوجی کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے مجھے روکا، انہوں نے چیک کرنا چاہتے تھے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کلمہ پڑھو، میں نے کلمہ پڑھ کے سنایا، انہوں نے کہا جی رکعتیں بتاؤ نماز کی، وہ بتائیں۔ اندر جب میں داخل ہوا تو وہاں پہ پھر جو اوقاف ڈپارٹمنٹ ہے اردن کا، ان کے لوگوں کے پاس انتظام ہے، انہوں نے بھی پھر مجھے روکا، ان کو شک تھا کہ پتہ نہیں یہ مسلمان نہیں ہے، شاید یہودی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے یہی سوالات کیے دوبارہ، اور فائنلی میں پھر حرم شریف گیا، نماز پڑھی۔ تو اس وقت جوائنٹ کنٹرول ہے اس جگہ کا، لیکن یہ جس طرف ٹرمپ صاحب جا رہے ہیں یہ بہت ہی ایک ڈینجرس سچویشن ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ شاہ زیب جیلانی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جناب نواز شریف کا غصہ کم نہیں ہو رہا ہے، کل لندن پہنچے ہیں ایک ہفتے کے لیے اور بہت ہی جلی کٹی سنائی ہے، ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ تمام کمیشنز کی رپورٹ سامنے آنی چاہیے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم تھے اور آج بھی آپ کی حکومت ہے، تمام کمیشنز کی رپورٹ برسر عام پبلک کر دیجیے۔ اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ مسلم لیگ نون جناب نواز شریف کی صدارت میں فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ مفاہمتی نہیں بلکہ مزاحمتی سیاست کرے گی، جارحانہ سیاست اس کا ترہ رہے گا اب سے لے کے 2018 کے الیکشن تک۔ جناب نواز شریف اس سلسلے میں دو ٹوک فیصلہ کر چکے ہیں اور اب اس میں کسی قسم کے پیچھے ہٹنے کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ کل جب وہ لندن پہنچے تو وہاں پہنچتے ہی انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور اپنے اس کمٹمنٹ کا بھرپور اظہارہ کیا، اور اب وہ بار بار وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے اسی سیاست کو جاری رکھیں گے اور ہر قسم کی قیمت ادا کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ میری حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ میں اس کے اوپر سٹینڈ لوں، آئین قانون اور رول آف لا پہ کوئی کمپرومائز میں نہ کروں، عوام کا جو ووٹ کا حرمت ہے، احترام ہے ووٹ کا،
जो उसको मैं किसी तौर के ऊपर भी मैं कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दूं, मैं अपना फ़र्ज़ अदा करूंगा और उसके लिए मैं हर किस्म की कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हूं। लाखों करोड़ों लोग हैं पाकिस्तान में जो मुझ जैसा सोचते हैं और इंशाल्लाह वो मैं उनके साथ मिलकर, वो मेरे साथ मिलकर पाकिस्तान को इस मुश्किल से, इस भंवर से बाहर निकालेंगे इंशाल्लाह। शिद्दत की शिकायत है जनाब नवाज शरीफ को अदलिया के साथ, और एक बार फिर उन्होंने पूछा कि अदलिया डिक्टेटर्स का साथ देती है, मार्शल्लॉ का साथ देती है, मगर मुंतखब वज़ीर आज़म की बकौल उनके गर्दनें दबोचती है। डिक्टेटर है वो भी प्राइम मिनिस्टर को आके पकड़ता है, ये जो चार पांच जो जज हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर को पकड़ते हैं। भाई किसी और को भी पकड़ो यार, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के गला दबोचते हो। ये प्राइम मिनिस्टर क्या, इसलिए 20 करोड़ अवाम जो है उसको मुंतखब करते हैं कि ये लोग इल्ला करके पड़ जाएं प्राइम मिनिस्टर को। जेलों में डाल दिया गया, किलों के अंदर बंद कर दिया गया, इन हाथों को हथकड़ियाँ लगाई गई। ये वज़ीर आज़म के साथ सलूक होता है मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर? ये कहाँ का दस्तूर बन गया? ये सिर्फ एक पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया में जहाँ ये सब कुछ हो रहा है। अदालतें इसलिए बनाई जाती हैं कि वो डिक्टेटरों को हार पहनाएं, अदालतें इसलिए अपना बनाई जाती हैं कि वो लेजिटिमाइज करें अपना एक मार्शल लॉ को। कोई कानून नहीं है जो मार्शल लॉ को अपना जायज़ करार दिया जा सकता है, लेकिन इन्होंने जायज़ करार दिया। ये एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसका भी एक हिसाब होगा। कल जब जनाब नवाज शरीफ लंदन पहुंचे थे, उससे पहले मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उनसे ये भी पूछा गया कि मॉडल टाउन कमीशन की रिपोर्ट आई है, तो जनाब नवाज शरीफ ने कहा कि तमाम कमीशन की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए और इस हवाले से जितने कमीशन बने हैं, मगर इसका जवाब उनके पास नहीं था कि इसका इख्तियार तो उनके पास था, 4.5 साल तक वज़ीर आज़म थे, जिस कमीशन की चाहते रिपोर्ट पब्लिक कर देते और अब भी चाहें तो वो कर सकते हैं क्योंकि हुकूमत उनकी है, उनकी जमात की है। इन तमाम मौजूदात पर बात करते हैं पाकिस्तान के कोना मा सीनियर सहाफ़ी तजियाकार एडिटर जनाब मुजीब रहमान शामी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। गुस्सा नहीं ठंडा हो रहा मियाँ साहब का, और ख़ास तौर पर अदालत के हवाले से, और फिर ये बार बार कहते हैं मैं हर किसी किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, गोया कि बिल्कुल एक उन्होंने फैसला कर लिया है कि मैंने जारहाना रहना है, मज़ाहमत करनी है, और इसमें किसी किस्म की गुंजाइश पैदा नहीं हो रही। कामरान खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखें नवाज शरीफ साहब जिस जगह पहुंच चुके हैं उसके बाद मेरे ख्याल उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, और उनको इसी तरीके से अपनी शख्सियत का और अपनी सियासत का इजहार करना है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग नून है उसकी सफ़ों में भी एक इस्तराब पाया जाता है और कोई यकसुई नहीं है इस रास्ते के बारे में, और किसी को ये पता नहीं चल रहा कि वो इस रास्ते पर चलते हुए कहाँ पहुँचेंगे और किस गढ़े के करीब उनको जाके खड़ा होना होगा या फिर आगे धकेल दिया जाएगा। गोया शामी साहब आपकी सोच और आपकी फिक्र भी समझ नहीं पा रही, इससे शाकी नज़र आती है कि ये रास्ता शायद मुनासिब और फहम व फरासत पे भरपूर तौर पे मबनी नहीं है। मैं आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगा रहा हूँ आप भी समझते हैं कि इसमें थोड़े सा ठंड आनी चाहिए। देखिए जो मखमसा है वो ये है कि नतीजा क्या होगा, ये जो आखिर कौन सा नतीजा हासिल करना मकसूद है। देखिए नवाज शरीफ साहब को जो रिलीफ मिल सकता है या तो वो अदालतों से मिलेगा और वो कानून की लड़ाई लड़ें, और या फिर उनको पार्लियामेंट से मिल सकता है और सियासी जो उनके हरीफ हैं उनके साथ कोई उनका समझौता हो जाए तो उससे मिल सकता है। लेकिन पार्लियामेंट जो है वो उनकी पुश्त पर उस तरीके से नहीं खड़ी जिस तरह धरने के दौरान खड़ी थी, और उसके सियासी हरीफ जो हैं उनकी तरफ से उनको मुसलसल गर्म हवा आ रही है। जरदारी साहब के तेवर भी बहुत तीखे हो चुके हैं, इमरान खान साहब की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसी सूरत में आपने अर्ज किया कि शामी साहब के पार्लियामेंट उनकी पुश्त पे 100% खड़ी नजर नहीं आती, आवाम कितनी उनकी पुश्त पे खड़े हैं अदलिया के खिलाफ इन शिकायतों के हवाले से और ख़ास तौर पे पनामा फैसले के हवाले से? पाकिस्तान के आवाम का मजमू अब तक का जो रद्दअमल आपने देखा है, क्या आवाम भी इतने ही गुस्से में है जितने नवाज शरीफ हैं?
دیکھیے جو عوام کا غصہ جو ہے وہ تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نواز شریف صاحب کا جو حلقہ انتخاب ہے اس میں ابھی تک کھلبلی نہیں مچی اور اس کی بڑی بھاری تعداد کی کا اعتماد ان کو حاصل ہے. ابھی گیلپ کا جو حالیہ سروے ہے وہ بھی اس کی شہادت دیتا ہے. لیکن اس کے جو ان کے الیکٹیبلز ہیں اور ان کے کئی مؤثر امیدوار ہیں ان کے ہاں ایک صورتحال دوسری ہے. ابھی آپ نے دیکھا حمید الدین سیالوی صاحب نے جس طرح بغاوت کا عالم بلند کیا ہے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے ہیں, تو کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں جو ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں ان کے ہاتھ میں کوئی دلیل آ جائے, کوئی فیس سیونگ ان کو مل جائے. اچھا, تو یہ ساری کوششیں بھی جاری ہیں. شاری صاحب, بس یہ ایک مبصر کی حیثیت سے مجھے شکایت یہ ہوتی ہے یا میں سوچتا ہوں کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کا رویہ ان تمام معاملات پہ بالکل مختلف ہوتا ہے کیونکہ آپ اقتدار میں ہیں اور آپ کی ایک سوچ جو ہوتی ہے وہ 100% مفاہمت کی ہوتی ہے. آپ ہر چیز برداشت کرتے ہیں. جیسے کہ اب نواز شریف صاحب نے کہا کہ کمیشنز کی رپورٹ سامنے آنی چاہیے, کیوں سامنے نہیں آتی, کمیشن بنتے ہی اس لیے ہے. نواز شریف صاحب نے جان کے کمیشنز کی رپورٹ, چاہے وہ ایپٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ہو, دوسری رپورٹیں ہو, اس طرف توجہ نہیں دی. حالانکہ الیکشن پرومس تھا کہ وہ کریں گے, لیکن آج پھر جیسے کیونکہ وہ اقتدار میں نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹیں سامنے آنی چاہیے. گویا کہ جو سوچ ہے, جو نظریہ ہے, وہ اقتدار کے ساتھ بدل جاتا ہے. دیکھیے کامران خان صاحب, ایپٹ آباد کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی, ڈان لیکس کی رپورٹ منظر عام پہ نہیں آئی. دیکھیے بات یہ ہے, اس وقت آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور کہ بھائی کوئی جھگڑا نہ ہو جائے, کوئی تنازع پیدا نہ ہو جائے, اداروں کے درمیان کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے, اس لیے پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. جب گھر لٹ چکا ہوتا ہے تو پھر اس وقت آپ کی پوزیشن اور ہوتی ہے. تو نواز شریف صاحب بھی اسی صورتحال سے دوچار ہیں, لیکن نہ ان کی رپورٹیں وہ اس وقت شائع کر سکے تھے, اور میرا خیال اگر وہ آج چاہیں بھی تو جو لوگ ان کے ساتھی ہیں اور اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ بھی اتنی آسانی سے ان کی بات نہیں مانیں گے, اور ان کی احتیاط جو ہے وہ بھی ان کے پاؤں پکڑ لے گی. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.